रुपये लूटे, लूटे कि नहीं लूटे, लूटे कि नहीं लूटे। लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई, चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिलेगा ना, भरपूर मिलेगा ना, जी भर के मिलेगा ना, दिल खोल के मिलेगा ना। और इसीलिए तो तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार नागलो वनलो दाटाली, नागलो वनलो दाटाली, बीजेपी की वोटू वेयाली। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना विकसित भारत के निर्माण के लिए जी भर करके हमें अपना आशीर्वाद देगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, दस ग्यारह बजे इतनी बड़ी रैली करना आसान बात नहीं है।